अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं आप सबके लिए ये दुआ करती हूं कि आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा बना रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज जन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी में सर शेयर किया है मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंडर वकास ने, जो कि यूके में रहते हैं। वकास बताते हैं कि आज मैं आपके साथ एक पंजाब के गांव का पुरसरार वाक़या शेयर करना चाहता हूं। हुआ कुछ इस तरह के, पाकिस्तान पंजाब में तीन लड़कियां थीं एक गांव की, उस गांव का नेम उन्होंने मेंशन नहीं किया। वो तीनों लड़कियाँ शाम के टाइम कहीं से आ रही थीं और वो जिस रास्ते से आ रही थीं उस रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त था। लड़कियां थक गईं और उन्होंने ये सोचा कि हम थोड़ी देर के लिए इस दरख्त के साए में बैठ जाते हैं, गर्मियों का मौसम था तो फिर थोड़ी देर तक आगे जाएंगी। लड़कियां थोड़ी देर उस दरख्त के नीचे रुकीं और रुकने के बाद तीनों अपने घर को चली गईं। जैसे ही वो अपने घर में गईं तो तीनों की शाम के टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तीनों लड़कियों को खून की वॉमिटिंग्स शुरू हो गई, जिससे उनके वालदैन बहुत ज़्यादा परेशान हुए और हैरान हुए कि अचानक बच्चियों को हो क्या गया। जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने एक डॉक्टर को कॉल की, यानी कि गांव में जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो ज़रा दूर होते हैं तो अक्सर औकात वो लोग घरों में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चियों की हालत इस काबिल नहीं है कि उनको आपके पास लाया जाए, जितनी जल्दी होता है आप हमारे घर आएँ। उनमें से डॉक्टर एक बच्ची के घर गया। जैसे ही उसने बच्ची को चेक किया तो उसने बच्ची को मेडिसिन दी और मेडिसिन देकर जैसे ही उनके घर से वो बाहर निकला है, थोड़े से फासले पे वो शख्स यानी कि वो डॉक्टर गया तो उसको किसी गायबी मखलूक ने पीछे से धक्का दिया, जिससे वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरा। वो जो लड़की के घर वाले थे वो ये देख रहे थे, उन्होंने डॉक्टर को जैसे ही उठाया तो मौके पर ही उस डॉक्टर की डेथ हो गई, जिससे पूरे गांव में ये चीज़ मशहूर हो गई कि इन बच्चियों के ऊपर किसी गायबी मखलूक का साया हो चुका है। अब रोज़ बरोज़ बच्चियों की हालत बिगड़ती जा रही थी, उनके अंदर से खून की वॉमिटिंग्स आ रही थी। तो उनके माँ बाप ने ये चीज़ सोची कि हमें किसी अल्लाह वाले से रजू करना चाहिए, तो उन्होंने किसी अल्लाह वाले से रजू किया। जैसे उन्होंने उनसे रजू किया वो उनके पास आए, उन्होंने बच्चियों को देखा, तीनों बच्चियों को, तो उन्होंने बताया कि ये जिस जगह गई हैं, यानी कि उस जगह जिस जगह इन्होंने अपनी वो आराम यानी कि थोड़ी देर रुकी हैं, उस जगह पे बहुत सख्त शैतानी जन्नात का बसेरा था जिसकी वजह से बच्चियों की ये हालत हुई है। उन्होंने बताया कि अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमने एक काला बकरा यानी कि तीनों बच्चियों के लिए एक एक काला बकरा उस दरख्त के नीचे, हम लोगों ने उसको ज़िबा ना किया और वो जो जन्नात है उन्होंने इनको ना लिया तो ये बच्चियों की जान ले लेंगे। बड़ी मुश्किल से वकास बताते हैं कि उन्होंने काले बकरे का इंतज़ाम किया, तीन काले बकरे लिए और वो जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे वो उस दरख्त के नीचे 24 घंटे रहे और उन्होंने उन बकरों को उधर ज़िबा किया। कुछ अमल करने के बाद, तवीज़ात करने के बाद, अमल करने के बाद वो गोश्त उन्होंने उस दरख्त के नीचे रखा और ख़ुद वो एक साइड पर जाकर बैठ के अपना अमल शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्या देखते हैं कि दरख्त से एक बहुत बड़ी मखलूक उतरी है, यानी कि आप ये समझ लें कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ नुमा जिन था वो, बताते हैं वकास, वो इतना भयानक था, वो इतना खौफनाक था, उसकी शक्ल सूरत बयान से बाहर है। वो उतरा है और जितना वो गोश्त था, बकरे थे, उनको वो उठाकर ले गया और फिर वो आमिल क्या देखते हैं कि वो जन्नात उन बकरों को ले जाने के बाद दोबारा नीचे आया और जितना खून पड़ा हुआ था उधर, उस खून को उसने, उसकी ज़ुबान इतनी लंबी हो चुकी थी जैसे कि कुछ 6 फीट का सांप होता है, और उसके साथ उसने सारे खून को चाटा और खून को भी वहाँ से ख़त्म कर दिया और वो चला गया। उसके बाद वो जो आमिल थे उन्होंने उन बच्चियों के पास किए और उनको उन्होंने कोई तावीज़ात दिए और कहा कि एक माह लगातार इन तावीज़ात को आपने पीना है और भूल कर भी गलती से इन बच्चियों को उस रास्ते की तरफ दोबारा नहीं जाने देना, अगर ये दोबारा उधर गईं तो वो जन्नात इनको जान से मार देंगे। इस तरह करके उन बच्चियों ने फिर तावीज़ लिए। अब उनकी हालत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं और वो अपने घरों में आबाद हैं।
और ये मैसेज देना चाहेंगे वकास के बिल्कुल सुनसान दरख्तों के नीचे, चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो बिल्कुल भी रात के टाइम क्या, दिन के टाइम क्या, किसी टाइम भी मत रुकें, क्योंकि दरख्तों पे ये मखलूकात होती हैं, हर दरख्त पे होती हैं, इनका बसेरा होता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ तो शुरू से होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी दरख्त पे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा तो उधर कुछ नहीं है, बिल्कुल होता है। ये मखलूक दरख्तों पर ही रहती है, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये कहानी थी वकास की, बहुत शुक्रिया वकास। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी शेयर की है मेरे साथ ज़फ़र हयात ने, जो कि भलवाल के रहने वाले हैं, सरगोधा भलवाल में। वो कहते हैं कि आज से 4 साल पहले की बात है, भलवाल सिटी में यानी कि सारी जगह पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, और उस तूफ़ान की शिद्दत ये थी कि जितने दरख्त थे वो अपनी जगह से उखड़ गए थे। इतना शदीद तूफ़ान था कि लोगों के जो घरों के गेट थे वो टूट चुके थे। वो तूफ़ान काबू से बाहर था, और ऐसे लगता था कि अपनी लपेट में वो सारी जगह को ले जाएगा, सारी इस भलवाल शहर को अपनी लपेट में लेकर ख़त्म कर देगा। तो मेरी जो है, ज़फ़र कहते हैं कि जो मेरी छोटी सिस्टर हैं उनके साथ एक बहुत अजीबोगरीब वाकया पेश आया, जिसका पछतावा आज तक हमें रहता है। मेरी सिस्टर उसी दौरान अपने घर को चेक करने के लिए, यानी कि बाहर से सारे गेट वगैरह चेक करने के लिए बाहर निकली, तो वो मैरिड थी। उनको बेहोशी का एक दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो उधर ही ज़मीन पे उस तूफ़ान में गिर गई नीचे। सब घर वालों ने यही समझा कि जैसे इतना शदीद तूफ़ान है, शायद इस वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से नीचे गिर गई है। उन्होंने उसको जल्दी से उठाया और अंदर ले आए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी सिस्टर 3 दिन के बाद होश में आई, और होश में आने के बाद कहती है कि जैसे ही मैं गेट को बंद करने के लिए उस तूफ़ानी दिन में अपने घर को बाहर निकली, तो मैं क्या देखती हूँ कि मतलब सहन में निकली, मैंने क्या देखा कि एक अजीबोगरीब किस्म का, ज़मीन से लेकर आसमान तक बुलंद कद एक शख्स है, जिसकी आँखों से खून टपक रहा है। ऐसे लगता है आग निकल रही थी और खून है उसकी आँखों में। उस शख्स ने मुझे मेरी तरफ़ देखा है, यानी कि वो उस तूफ़ान में बड़ी दूर से आ रहा था, और आते आते वो बिल्कुल हमारे गेट के पास बाहर गली में जब आया है तो वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ है, और उसको देखकर मैं इस कदर डर गई कि मुझे अपने आप की होश ही नहीं रही। उसके बाद मेरी उस सिस्टर के साथ, ज़फ़र बताते हैं, बहुत अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो गए। मेरी जो सिस्टर थी, अक्सर घर वाले, उनके बच्चे और उनका हस्बैंड देखता था कि वो बेड से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, यानी कि हवा में हैं, और वो सोई होती थी, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता था। उसके बाद वो 3-3 दिन बेहोश रहने लग गई। उसके बाद उनको किसी आमिल के पास ले जाया गया, जिस पे उस आमिल ने बताया कि आपकी बहन को एक देव की नज़र लग चुकी है, बद नज़र लग चुकी है, और वो अब इसकी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि देव पे हाथ डालना आसान काम नहीं है। देव लिसनर्स वो होते हैं जो कि जन्नात से भी बड़े होते हैं, वो सबसे बड़ी वो जन्नात में मखलूक होती है, जिसकी वजह से उसको काबू करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। इसको काबू करना मेरे बस में नहीं है, और कहीं और भी लेकर जाएंगे तो लोग आपसे सिर्फ पैसे लेंगे, लेकिन इलाज इसका नहीं कर सकेंगे। अब ज़फ़र कहते हैं कि मेरी ये बात उनके बच्चों ने, मेरी बहन के हस्बैंड ने हमें बताई, हम लोग सारे बहुत परेशान हो गए। तो अचानक मेरी बहन की आंखों में से खून निकलने लग जाता था, बिना तकलीफ़ के, बिना ज़ख़म के, और वो बेहोश हो जाती थी। अब 3-3 दिन से बात बढ़ गई, और वो 10-10-15 दिन बेहोश रहने लग गई। उसकी हालत बहुत ख़राब रहने लग जाती थी। जैसे ही वो होश में आती थी तो सिर्फ और सिर्फ वो बड़ा गोश्त खाने के लिए मांगती थी, और वो कहती थी कि मैंने सिर्फ बड़े गोश्त का ही सालन खाना है, अगर सालन नहीं है तो मुझे कच्चा गोश्त दे दो, मैंने बड़े गोश्त के अलावा कोई चीज़ नहीं खानी। मेरे अब जो बहनोई थे, उन्होंने उसके लिए वो जो कहती थी वो लेकर आते थे, और वो सिर्फ गोश्त की ही डिमांड करती थी। सबको ये पता लग चुका था कि उसके ऊपर एक देव का बसेरा हो चुका है, और वो देव उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था, यानी कि वो उस पर आशिक नहीं था, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा था। उसके बाद मेरी सिस्टर की हालत बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होने लगी। बात यहाँ तक पहुंच गई कि वो गलाजत को खाने लग गई। मेरे बहनोई ने एक दफ़ा देखा कि उनकी बीवी यानी कि वॉशरूम में है और गलाजत खा रही है। उसकी जो हालत थी वो इतनी स्वेर हो चुकी थी कि हम सब लोग
अब बहुत परेशान थे कि हम इसका क्या इलाज करें। हम लोग बिलाखिर घर ना बैठे और उसको मुख्तलिफ आमिल के पास लेकर जाने लगे, लेकिन उसको कहीं से भी आराम नहीं आ रहा था। बिलाखिर हम एक गद्दी नशीन पीर के पास गए, वो सैयद थे, और उनके पास हम उनको ले गए, किसी ने हमें बताया। और वो जो सैयद थे वो सिंध वाली साइड पे रहते थे। ज़फ़र कहते हैं कि सिंध के साइड का सफ़र करना, एक हम बिल्कुल उन चीज़ों से ला इलम थे, वो जगहें उन जगहों पे हम आज तक नहीं गए थे। खैर, हम अपनी बहन को ले गए। जब रास्ते में हम अपनी बहन को लेकर गए तो वो अजीबोगरीब हरकतें करती थी, वो चीखती थी, जैसे ही सूरज उसके मुंह पे पड़ता था तो वो ऊंची ऊंची चीखें मारती थी, उसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती थी, उसका चेहरा देखने के काबिल नहीं रहता था। बिलाखिर हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो एक बहुत बड़ा दरबार था, सारा रेगिस्तान था, और हमने उनसे बातचीत की कि हमें फ़लाँ शख्स ने आपके पास भेजा है और हमारी बहन की ये हालत है। उन सैयद पीर साहब ने उस लड़की मेरी बहन को यानी कि देखा, और उन्होंने कहा कि उनके दरबार पे कुछ रूम्स बने हुए थे, उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन इधर स्टे करना होगा इसके इलाज के लिए। हम लोगों ने उधर स्टे किया, हम लोग उधर रुक गए। तो जैसे ही हम लोग उधर रुके, मेरी अब बहन और मैं भी साथ था उनके, और उनका जो हस्बैंड था वो भी, हम दोनों, मैं उसको अपनी बहन को लेकर, यानी कि मैं अपनी बहन को लेकर उन पीर साहब के पास जब पास किया तो वो जो देव था वो मेरी बहन के ऊपर आ गया और कहने लगा कि अगर तुमने इसका इलाज किया तो मैं तुम्हें जला दूंगा। जिस पे वो जो आमिल थे वो भी सैयद थे, उन्होंने कहा कि तुम जला सकते हो तो जला कर देख लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने उस मेरी बहन के ऊपर अमल शुरू कर दिया। वो एक अल्लाह वाले थे और कुरान पाक को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद पानी दम करके दिया और कहा कि अब ज़ोर ज़ोर से इसके चेहरे पे इस पानी के छींटे मारो। हमने ऐसे ही किया तो थोड़ी देर के बाद मेरी बहन बेहोश हो गई। उसके बाद 15-20 दिन मेरी बहन का इलाज रहा और 15-20 दिन हम उनके पास रहे। उन पीर साहब का नेम मैं मेंशन नहीं करूँगा ऑन एयर, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं सबको और किसी किसी का ही काम करते हैं। मेरी बहन के बड़े बुरे हालात हुए उन 15-20 दिन में। आखिरकार जब उस देव ने मेरी बहन की जान छोड़ी तो उसने अपनी निशानी ये दी कि उसने मेरी बहन की जो राइट साइड वाली बाजू थी वो सारी जला दी, और उसके बाद वो मेरी बहन के जिस्म से निकल गया। अब मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार उसको अजीब सा वो एहसास ज़रूर होता है, ख्वाब में होता है, और वो कहती है कि वो ख्वाब में आता है लेकिन हकीकत में वो उसके सामने नहीं आ सकता। हमने बड़े मुश्किल के दिन देखे हैं अपनी बहन के ऊपर, इसलिए मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मौसम, ख़राब मौसम हो, अपनी बहनों को, अपनी माओं को बिल्कुल भी ऐसे मौसम में टीवी लॉन्च की हद तक रखें, उनको बिल्कुल टेरेस पे, छत पे मत जाने दें, क्योंकि ये चीज़ें एक दफ़ा हावी हो जाएं तो बहुत मुश्किल से जान छोड़ती हैं। और जितने लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, वो तो मर्दों की एक और बात होती है, लेकिन वो भी अपना ख्याल रखा करें, इस हालत में घर से बाहर मत निकलें, क्योंकि जब आंधी तूफ़ान चढ़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा जिन्नात और देव जैसी मखलूक उसमें होती है, और ये जिनको इनकी बद नज़र लग जाए ये फिर उनकी जान नहीं छोड़ते। तो ये कहानी थी ज़फ़र की, ज़फ़र हयात की, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी भलवाल सरकोटा से। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अपनी स्टोरी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी, और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। और आज का अच्छा मैसेज ये है कि आज जुमे का दिन है, और जुमे का दिन बहुत अफजल दिन होता है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। जितना हो सकता है इस दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें, आम रूटीन में भी भेजा करें, और इस दिन लाजमी भेजा करें। तो ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए, और अपने वालदैन का बहुत सा ख्याल रखा करें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखा करें, और अल्लाह से इस नेमत का जो वालदैन की सूरत में हमें मिली है बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। और मैं ये मैसेज आप लोगों को दिया, और इस पे आप ज़रूर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और आप भी अपने वालदैन को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।